तो यहाँ पे आ चुके हैं आज हम अपने को नए शानदार रैंक पुश गेम प्ले के साथ। तो इस मैच में हमने किए 28 किल। तो यहाँ पे देखो भाई, गिरते ही किए पहला है ना, वही तुम देखना। तो पहले हम यहाँ पे गिरते हैं जोर्जियो पुल पे। तो यहाँ पे गिरने के बाद हम करते हैं थोड़ी बहुत लूट, और बाद में भाई सीधा ही हल्ला बोल देते हैं। तो यहाँ से अभी थोड़ी बहुत लूट करते तो भाई हमारी लूट होती है। तो बाद में एक बंदा यहाँ पे देखो गिरता है। तो यहाँ पे भाई इस बंदे को हमने पहले मारा, लेकिन बंदा फिर भी बाहर ही लूट कर रहा था। तो यहाँ पे बंदा नॉकआउट होता है तो हम सीधा ही उसके ऊपर कर देते हैं पुश। तो यहाँ पे उसका दूसरा भी बंदा होता है तो हमको मालूम था रिवाइव दे रहा होगा। तो यहाँ पे इस डुओ को करते हैं हम खत्म, और आगे की साइड एक और डुओ होती है। तो यहाँ पे देखो हमारे साथ पहले किया सीन हो जाता है। तो यहाँ पे पहले हमने एक बंदे को किया नॉकआउट, और ये बंदा जो निकला है ना गलत ही निकला था। पहले तो अपना एम ही नहीं लगता इसके ऊपर। तो यहाँ पे भी दोनों बंदे को कर दिया हमने खत्म। तो इस बंदे को खत्म करने के बाद हम भाई यहाँ पे जैसे ऊपर लूट करने के लिए जाते, और देखो हमारे साथ जो सीन होता है ना गलत ही सीन होता है। तो पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं बूस्टर, और बाद में ऊपर जो लूट करने के जाते हैं ना गलत ही सुन हो जाता है सिर्फ। देखो तुम यहाँ पे, तो यहाँ पे इस बंदे को भी करते हैं हम फिनिश। तो इस बंदे ने भाई पहले फायर दिया तो उसका ही फायर उसको भारी पड़ जाता है। तो भी हम यहाँ पे खत्म करके चले जाते हैं सिटी में। तो इस साइड से अभी देखो फायर आया था रिश्ते, तो हम सीधा ही यहाँ पे गाड़ी ले लेते हैं, और यहाँ पे बंदा होता है उसको ढूंढने कि तभी हमको दूर से पड़ती है देखो। तो अभी पहले हम यहाँ पे करते हीलिंग, और बाद में एक बंदा तो भाई पास ही में था और वो जाता है पानी में देखो तुम सिर्फ। तो भी हम यहाँ पे वेट करते हैं कि बंदा जैसे ही बाहर दिखे भाई फिनिश कर दे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इस बंदे को भी ख़त्म करते हो, और बाद में भाई एक बोट का भी किल मिल जाता है हमको बोनस में। तो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से गाली रह के सीधा एक भाई चले जाते हैं जॉर्जियो पुल, क्योंकि वहाँ पे बंदे फिर से वापस आ गए थे। तो अभी हमने सोचा पहले उसको ही मार देते हैं। तो यहाँ पे हमने सोचा कि इसका एक और बंदा होगा तो हम उसको मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन भाई उसका दूसरा बंदा ही नहीं होता। तो भी हम फिर से यहाँ से गाड़ी उठाते और मारते सीधा ही भाई सिटी पे पुश। तो यहाँ पे आते हैं तो आगे के घर में होते हैं दो बंदे। तो यहाँ पे डो होती है तो हमने सोचा पहले नेड ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे बंदा होता है नॉकआउट तो हम यहाँ पे सीधा ही कर देते इसके ऊपर पुश। तो यहाँ पे जैसे दोनों बंदे नॉकआउट होते हैं तो यहाँ पे हम सीधा ही फिनिश देते हैं, क्योंकि नहीं तो दूर से कोई बंदा भाई किल चुरा लेता। सामने अपार्टमेंट में था वो, तो हमने अभी किया कि अब भाई अपार्टमेंट में बंदा था उसके साथ तो स्कैम ही कर देते हैं देखो। तो यहाँ पे हम कहते हैं अपने बंदे को पूरा ओपन से जाए उस साइड से, जैसे ही बंदा पीक लेगा उसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे वही होता है, बंदा जैसे पिक लेता है हम उसको ख़त्म करते हैं, और बाद में हम यहाँ से चले जाते हैं सीधा ही रोजोक की साइड। तो भी हम यहाँ पे पहुँचते तो आगे की साइड जो बंदे होते हैं ना गलत ही होते हैं, तुम सिर्फ देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम इस डुओ को करते हैं ख़त्म। तो अभी हम जैसे इस डुओ को ख़त्म करते हैं कि एक और डुओ आ जाती है। तो यहाँ पे भाई ये बंदे तो गाड़ी उठा के आए थे, लेकिन हमने उसको भाई फिर से भेज दिया प्लेन में उड़ने के लिए।
तो भी हम यहाँ पे अपने बंदे को करते हैं रिवाइव, और रिवाइव करके इनमें से भाई थोड़ा बहुत करते हैं लूट। तो अभी इनमें से लूट करने के बाद किया होता है वही देखो तुम सिर्फ। तो यहाँ पे भाई अभी और बंदे होते रिच पे, तो यहाँ पे भाई एक बंदा दूसरे को मारता है और दूसरे बंदे को हम मार देते हैं, मतलब कि भाई दोनों टीम खत्म हो जाती है वहां पे जो थी सिंगल सिंगल प्लेयर की वो। और बाद में हम गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाते हैं सीधा ही भाई स्कूल की साइड। तो यहाँ पे आते हैं तो सामने की साइड दो डुओ और दिखती है, और यहाँ पे देखो अभी कैसे थर्ड पार्टी करते है। तो यहाँ पे भाई एक स्प्रे में मैंने दोनों को निपटा दिया था, मतलब कि एक फिनिश हुआ और दूसरा नॉक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सीधा एक गाड़ी लेके उसके ऊपर कर देता हूँ पुश। तो यहाँ पे ये दोनों लोगों का भी काम खत्म होता है, और बाद में हम इनमें से करते हैं लूट, क्योंकि भाई अभी हमारे पास देखो 5 का एमओ खत्म हो गया था। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत एमओ उठा के निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं शेल्टर की साइड। तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचते हैं कि आगे की साइड होता है ड्रॉप, और वहां पे बंदे भी होते हैं देखो। तो यहाँ पे भाई दूसरे बंदे को हमने पहले जैसे ही मारने का ट्राई किया तो अपना नेटवर्क चला गया था, इसलिए पहली बार बच जाता है वो बंदा। लेकिन भाई दूसरी बार वो बंदा बच नहीं पाता, और अभी हम यहाँ पे ही लूट कर रहे होते कि बाइक का साउंड आता है, और देखो भी। तो अभी हम यहाँ पे एक बंदे को करते हैं नॉकआउट, और बाद में गाड़ी लेके सीधा ही उसके ऊपर कर देते हैं पुश। तो यहाँ पे भी इस बंदे को तो कर दिया खत्म, लेकिन यहाँ पे जो सैंडविच होता है ना वही देखो, पहले तो कर दिया अपना टायर पंचर देखो तुम। तो यहाँ पे भाई तुक्का लग गया, दूसरी गोली भी भाई टायर पे लग जाती है, तो यहाँ पे दूसरा भी टायर पंचर हो जाता है और दूसरी मेरे को लगा देता है। तो यहाँ पे भाई अभी सैंडविच बनना पक्का था, क्योंकि पीछे की साइड भी एक बंदा होता है, और भाई ये पेड़ तो काफी छोटा था। तो यहाँ पे देखो भाई यही भाई एक के बाद एक ये तो स्नाइपर का शॉट हमको लगा रहा था, तो हमने सोचा जो भी हो जाए भाई आगे जाके कवर लेते और बाद में करते हीलिंग। तो यहाँ पे आके अभी करते हम हीलिंग, और पीछे वाला बंदा भाई क्या कर रहा था वो तो मालूम नहीं, वो अच्छा था हमको मार नहीं रहा था। तो भी एक बंदा भाई राइट से कर देता है पूरा रोटेट, तो हमने सोचा पीछे ही चले जाते हैं भाई, नहीं तो ऐसे ही वो मार देंगे दोनों बंदे मिलके। तो अभी हम यहाँ पे भाई सीधा ही बगी के पीछे आके लेट जाते हैं, और अभी देखो जो सामने वाला बंदा था ना वो पीछे जाता है और कैसे भाई इसको मारते है। तो यहाँ पे भाई इस बंदे को तो कर दिया हमने नॉकआउट और फिनिश। तो अभी सामने की साइड भी एक ही बंदा था और पीछे भी एक ही बंदा था देखो। तो भी हम यहाँ पे पीछे वाले बंदे को भी मार देते, तो हमने सोचा भाई यहाँ पे अभी सामने वाला एक ही बंदा बचा है तो क्यों ना उसके ऊपर जाके उसको मार दे, क्योंकि नहीं तो कोई पीछे से आ जाएगा तो फिर से दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम करते हैं ओपन पे उसके ऊपर पुश।
तो अभी हम यहाँ पे जैसे रुकते हैं तो पीछे की साइड कूप आ जाती है, तो हम यहाँ पे पहले ग्रेनेड डाल के उसके ऊपर कर देते हैं ओपन से ही पुश। तो यहाँ पे देखो इस बंदे को कर दिया हमने खत्म। तो यहाँ पे अभी हमारा भाई हीलिंग भी नहीं था और नहीं था अपना वेस्ट, तो हमने सोचा पहले तो हील ही लगाते हैं। और बाद में हम यहाँ पे किया सोचते वेस्ट उठा लेते इसके पास जितना भी भाई डैमेज वाला हो, क्योंकि नहीं होगा तो भाई दो तीन गोली में ही मर जाएंगे। तो यहाँ पे आप एमएस देख सकते हो भाई, यहाँ पे एमएस ज्यादा होने की वजह से भाई जल्दी से लूट नहीं हो पाई, और लूट नहीं हो पाई इसलिए उस बंदे ने हमको मार दिया, नहीं तो यहाँ पे भाई 30 किल के साथ अपना चिकन डिनर हो ही जाता। तो कोई बात नहीं, अभी हम मिलते अपने को नए गेम प्ले के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।